आप भी अंडा फार्मिंग कर रहे हैं और जो सोचा था वो अंडा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किन किन कमियों की वजह से हो रहा है? क्योंकि आपने तो भरपूर मात्रा में खाना खिला दिया है, लेकिन फिर भी अगर अंडा प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती होगी जिसके कारण से कमी हो रही है, तो आखिर वो कौन सी कमी है? तो चलिए आगे हम वीडियो में जानेंगे कि किन किन कमियों की वजह से अंडा प्रोडक्शन में कमी हो रही है और इनके उपाय के बारे में भी जानेंगे कि कैसे इसका जो अंडा है उसको बढ़ाया जा सके। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और जहां भी हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मुर्गियां जो है अपने फार्म में अंडा बहुत ही कम दे रही है, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कुछ और ही सोचा और कुछ और ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग जो है एकदम आंखें बंद करके उनको बस खाने पे खाने दिए ही जाते हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कि उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बस हम उनको खाना खाली देते रहते हैं। तो खाली खाना देने से नहीं होगा, क्योंकि हम देखिए, हम इंसान भी अगर हम अपना पेट भरते हैं तो चावल खाते हैं, चावल के साथ कितना और भी चीज़ें उसमें रहता है, दाल रहता है, तरह तरह की सब्जियां रहते हैं, सलाद रहते हैं, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक उसी तरह से मुर्गियों को भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको भरपूर मात्रा में देना ही पड़ेगा, तब जाके उनका अंडा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे कि अगर उसको खास तौर पे देखा जाए तो उनको जो है कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है। उस जब वो अंडे पर होती है ना, उस टाइम उसको भरपूर मात्रा में कैल्शियम देना पड़ता है, तभी जा कर के वो अंडा जो है सही से देती है। मतलब कि जो अंडे वाली मुर्गी होती है, जो प्रॉपर अंडे के लिए खास तौर पर ज़्यादा अंडा देने वाली हो, वो लगभग आपको 20 से 25 अंडा महीने में दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सही दाना का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम पे अंडा देती है उसका एक अलग फीड आता है, लेयर का फीड होता है वो, जो कि सिर्फ अंडे देने वाली मुर्गियों को ही खिलाया जाता है। उसके साथ साथ आपको बहुत सी मतलब घरेलू चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे कि आप ग्रीन फीड उसको भरपूर मात्रा में खिलाइए, उससे उसका जो कमी है, उसका प्रोटीन का कमी, उसका कैल्शियम का कमी, ये सब काफ़ी जो है दूर होता है। इसके लिए जो ग्रीन फीड में खास तौर पर इसके लिए जो दिया जाता है वो है मोरिंगा के पत्ते, जो कि आप सभी को पता है इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। कहीं पर इसको सहजन कहते हैं, कहीं पर इसको मुनगा कहते हैं, कहीं पर इसको मोरिंगा कहते हैं। तो ये जो है बहुत ही कैल्शियम से भरपूर होता है। आप अगर अपने मुर्गियों को शुरू से ही इसको देते आएंगे तो आपकी मुर्गियों में अंडा प्रोडक्शन कभी कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इसको शुरू से नहीं दिया है तो आपको ये कमी देखने को मिल सकती है। तो इसमें अगर आप बिना मेडिसिन का अगर मतलब ये करना चाहे तो ये मोरिंगा के पत्ते बहुत बेस्ट है, आप इसको भरपूर मात्रा में खिलाइए। इसके साथ साथ आपको नीम के पत्ते जरूर खिलाने हैं, उससे जो है काफी तरह की बीमारियां नहीं होती है, उसका डाइजेशन भी सही रहता है। और अब जो हम बात करेंगे कि इसका मेडिसिन, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फार्मर भाई बहन हैं जिन्होंने कम क्वांटिटी में घर में रखा है और उन्होंने जो है इतना ध्यान नहीं दिया है, ऐसे ही बड़े भी हो गए मान लीजिए, तो अगर उनको मेडिसिन देना है तो कैसे देंगे, मतलब कौन सा मेडिसिन देंगे? तो उसके लिए देखिए, कैल्शियम के लिए एक आता है कैल्सी केयर और एक आता है ऑस्टोवेट, दोनों में से आप कोई सा भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है जो कि आपके मुर्गियों में जो कमी है उसको पूरा कर देगी और एक प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। और इसी के साथ साथ मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप लोग ग्रीन फीड में ज़्यादा फोकस कीजिए, साथ ही साथ जो होम रेमेडी होती है, जो हम जो काढ़ा वगैरह पिलाते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अंडा की बात है, अंडा देने के समय वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं, इसलिए उनका खास ख्याल भी रखना पड़ता है। उसी के साथ साथ जो है 16 घंटे तकरीबन 16 घंटे तक उस मुर्गी को लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको जो मतलब अंडे पर
होती है। आप चाहे उसको कोई सा भी लाइट दो, आप उसको सनलाइट दो या फिर आप उसको बिजली का लाइट दो, लेकिन आप उसको कम से कम 16 घंटे लाइट देना ही पड़ेगा, तब जाके अंडा प्रोडक्शन सही होगा। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए जो है फार्मिंग करेंगे तो आपको एग प्रोडक्शन में कभी कमी नहीं होगी। अगर हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी इसको सुधार कीजिए। आई होप कि वीडियो आपके काम की है होगी। तो इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मतलब शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिसके फार्म में ये दिक्कत हो रही है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।